हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सो आज है 26 जनवरी। हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी सरस्वती पूजो एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। तो इट्स माय बर्थडे टुडे। और देखिए मैं कितनी खूबसूरत जगह पे हूँ। ओह माय गॉड, उठ के ही मतलब सब जगह देखी हो ना तो मतलब एकदम दिल खुश हो गया। देखिए आप लोग भी, आप लोग को तो मैं अच्छे से बताऊँगी। तो सुबह बाहर आई, मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर चलते हैं और ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, आई एम जस्ट लविंग इट। बहुत अच्छा लग रहा है तो चलती हूँ। बस अभी पता है सुबह के कितने बज रहे हैं? लगभग 8 बज रहे होंगे। उठ के ही बस ऐसे आ गई हूँ बाहर तो देखने। और ये देखिए इट इज़ वेरी नाइस, प्यारा सा रिसोर्ट है। मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी। लास्ट टाइम जब हम रुके थे ना उससे छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा है। मुझे मतलब मुझे बड़ा छोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए कि इट शुड बी ब्यूटीफुल, इट शुड बी गुड क्लीन। तो ये वैसे ही है, बहुत अच्छा है। और क्यान मेरे साथ उठ गया और पता है जैसे वो उठा, गुड मॉर्निंग मम्मा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, मतलब एकदम तो दिल भर आया। मतलब एकदम तो गोदी में उठा के उसे प्यार करने लग गई। देखिए उसे उसे दिखा दो, आप लोग को अच्छा लगेगा, आपको भी उसको उसको देखने में अच्छा लगेगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पानी वानी दिया जा रहा है। मतलब अब मैं गोवा में हूँ, आप लोग को तो पता ही है। और यहाँ पे भी ठंडी है, जैसे उतना ठंडी नहीं है जितना हमको मुंबई में लगता है, बट है। मतलब अब जैकेट पहनना पड़ रहा है। कियान से गुड मॉर्निंग। कियान फ्रेंड्स, ये है हमारा गोवा का पहला ब्रेकफास्ट। मायशा ने क्या ऑर्डर किया? मसाला चीज डोसा। और क्या ने ऑर्डर किया? आलू पराठा। ठीक है, तो ये आलू पराठा यहाँ पे खाएंगे। और यहाँ पे देखो मसाला डोसा हमारे मुंबई में कैसे मिलता है, और यहाँ पे ये ऐसा सांभर और ये चटनी। चटनी बहुत टेस्टी, मैंने ट्राई किया है। और ये देखो ये इसका बैटर भी अलग है, उसकी सबसे अलग बना है, अच्छा होगा खाने में। चलो बच्चों स्टार्ट करते ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो गाइज अभी ना इन लोग पूल में जाने वाले हैं और मेरा चिल्ला चिल्ला के हालत ख़राब। बेटा जैसे पापा बोलेंगे वैसे। ये देखो यहाँ पे दोनों, मुझे चिल्लाने मत देना, दैट्स इट। हाँ, सो गाइज यहाँ पे मैं और हम चारों जन मिलके पूल में गए और हमने बहुत टाइम स्पेंड किया पूल में, बहुत मस्ती भी किया। और मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने इस व्लॉग में उसको ऐड नहीं किया, नहीं तो मेरा ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता था। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में बच्चे कितना डर रहे थे, फिर बहुत मस्ती किया। चलिए अभी देखते आगे क्या कर रहे हैं। सो हेलो गाइज, अभी हम निकल रहे हैं। आपको पता है कितना बज रहा है? अभी बज रहे हैं 2 एंड ये दोनों मेरे गांव वाले हैं, दोनों बंगाली है। खतर 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 बात करते जा रहे थे। हेलो, কেমন আছো তোমরা? ভালো আছি, আপনারা কেমন আছেন? এর কমেন্টস করতে বলবে কেমন আছে। চলো, সো গাইস দিস ইজ হোয়াট আই এম ওয়্যারিং। উইথ ইউ আই ক্যান বি স্যাড, উইথ ইউ জাস্ট টেক মাই হ্যান্ড এন্ড ফ্লাই up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay, with you, with you I love the way
have me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. हम लोग कहाँ जा रहे हैं मोइन? चर्च पे. हाँ, अभी आज जैसे अपने टाइम मैंने आपको बोला 2 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आधा फर्स्ट हाफ निकल गया. तो अभी हम लोग पहला दिन जो है ना, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है. अच्छा दिन मतलब रोज़ अच्छा दिन ही होता है, बट आज सोचा कि हम लोग चर्च जाते हैं. तो हम लोग अभी जा रहे हैं चर्च. तो हम लोग आज दूर वाला कर लेते हैं. तो हम लोग जा रहे हैं ओल्ड गोवा ना, ओल्ड गोवा ना, ओल्ड गोवा. और सब लोग अपने अपने बैंड दिखा, ये देखिए बैच चलो सब लेकर आए हैं. पर हम लोग बहुत लेट हो गया, अर्ली मॉर्निंग फ्लैग होस्टिंग ये सब हो गया होगा, क्योंकि कल पूरा दिन हम लोग ट्रैवल ही करते रहे तो बहुत थक गए थे. तो चलिए चलते हैं. एंड दिस इज आवर रिसोर्ट, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. चलिए गाइज, अभी टाइम 2:30 हो रहा है और हम लोग बहुत लेट निकले हैं और हम लोगों ने लंच नहीं किया. तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं ऑन द वे. अब वो जो जिस जगह पे हम जा रहे हैं बेसिलिना चर्च, वहाँ हमारे यहाँ से वो कितना बता रहे, 1 घंटा 45 टू 1 आवर बता रहे हैं. लेकिन हम लोग को लगा है भूख, इन्होंने स्विमिंग ये सब कुछ किया है और हमने वहाँ से मतलब लंच नहीं किए, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया हमारे वहाँ से और टाइम हो जाता था, इसलिए हम लोग निकल गए. तो मुझे जैसा खाना खाना है, मतलब मुझे मैंने आपको बोला था कि मैं जहाँ जो स्टेट में आती हूँ ना, वहाँ का जो स्पेशलिटी है ना, वो खाने में जो मज़ा है, जो लोकल फूड मिल जाएगा. क्यान बाबू का बहुत तबीयत ख़राब है, सुबह वो ऐसे ही चला गया उठ के, हाँ कुछ भी खाया पे नहीं और धूप में बैडमिंटन खेलने लग गया. और फिर घर पे आके मतलब रूम में आके उल्टी के यहाँ उसको चक्कर आ रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया है, खाना पीना नहीं खाता है. अभी तो खिलाऊंगी बराबर फिश खाने. और ये माइशू भाई का ख्याल रखती है, माइशू भी बहुत थक गई, बहुत स्विमिंग किया ना बाबू. और ये देखिए ये हैप्पी बर्थडे उल्टा दिख रहा होगा, मैं देखी मतलब मुझे खुद को याद भी नहीं मेरा बर्थडे. कभी कभी थोड़ा सा तैयार हुई थी तभी याद है, फिर अभी जब मैं निकली बाबू लोग को देखा कि इन लोगों को भूख लग रहा है सब, तो सब भूल जाते हैं. क्यान को जब उल्टी कर रहा था सुबह तभी मतलब भूल जाते कि ऐसा स्पेशल डे है यार. चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग को एक अच्छा जगह मिल गया बैठने का यहाँ पे. और अभी हम लोग खाने वाले हैं खाना, हम लोग आ रहा है ना बाबू. चलो अभी जाएंगे, आपको खाना खा लोगे ना तो आपको ताकत मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा घूमने को. ओके चलो. सो गाइस, मेरा खाना हो गया और गोवा का मतलब गोवा में आ गया और ये नहीं खाया तो क्या खाया. तो मेरा ये थाली है प्रॉन्स थाली और यहाँ पे है मोइन और माइशा का चिकन एंड एग थाली. हाँ चिकन थाली. तो ये दो, ये चीज़ ये दोनों खाएंगे और ये चीज़ जो है ये हम दोनों खाएंगे, मतलब हम दोनों. ओके बेटा. और अच्छा हुआ यहाँ पे फ़ोटो निकाल लेते, देखो बीका क्या हालत हो गया. चलो स्टार्ट करो खाना. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता था. थैंक यू तुमने गाड़ी रोका, नहीं तो लेके जा रहे थे. चलो चलो खाते, बहुत भूख लगा. चलो भाई क्यों, चलो चलो जल्दी. सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का लंच हो गया है और क्यान माइशा जब बच्चे बाहर आते हैं ना तो उन लोगों को खाने पीने का बहुत टेंशन हो जाता है. तो वो थाली के सारे इसमें बहुत तीखा तीखा था,
तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा पी पी के लोगों को खिलाया मैंने राइस और ये, और फिर भी जो खाना था ना वो मतलब बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मतलब मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगा कि घर का खाना है, हमारे यहाँ का खाना है मैं खा रही हूँ। मतलब गोवन और मालवनी फूड ऑलमोस्ट सेम है ना, तो अच्छा लगता है। तो मेरा बर्थडे गिफ्ट है ये, तो लोग बोल रहे बर्थडे गिफ्ट दे दिया, खाना खिला के हमारे पसंद का। मायशो क्यान क्या हो रहा है बेटा, आपको खाना कैसा लगा क्यान मायशा? अच्छा लगा। अरे अच्छा लग रहा है बाबू को? अभी हम लोग फिर से निकल गए हैं और अभी अच्छा लग रहा खा के, तो सब बैठ गए ना खाने, खाना खा के तो भूखे पेट जाते थे ना और टेंशन होता था। चलिए दीदी के तरफ। रिसोर्ट है उसमें खुद का, उनको खुद का रिसोर्ट है जो रखता है अपना बंगलोज और ऐसा, वो उसका इंडिविजुअल सबको कलर अलग अलग है। यहाँ पे पहुंच गए हैं और ये है चर्च और मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो है म्यूजियम, तो दोनों तरफ हम जाएंगे। तो ये भी बहुत टाइम लग गया है यहाँ पे, तो ये भी मैं पूरा अगर ऐड करूँगी तो अगेन मेरा ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ अपडेट के लिए कि हम यहाँ पे गए हैं, तो उसका जो अलग से व्लॉग आएगा वो जरूर देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो पूछ लो, मुझे क्या पता यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग ना ऐसे मतलब पूरा गोवा घूमने, या नहीं बेटा कार बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? तो केक नहीं खाना आपको? अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने। केक का दो शॉप है, एक बास्किन रॉबिन्स बिहार, बास्किन रॉबिन्स और दूसरा ऑफ कोर्स मॉन्जिनीज। यहाँ से मैंने कभी लिया नहीं है, ये केक का ही है ना? हाँ, यहाँ से कभी लिया नहीं है। और मॉन्जिनीज का तो मतलब इतना है कि अच्छा ही निकलेगा। अरे बाप रे लड़का ना पूरा वाला मैचिंग वाला कुछ कान में पहनूंगा आज। वो तुमने जो जोड़ के दिया ना वही था। क्यों नहीं पहना? और मैंने पहना नहीं वो। सब लड़के लोग चश्मा लेने में इतना भीड़। पानी। हाँ बेटा चलो पानी। ये वाओ कितना क्यूट है वो। हाँ देखने नहीं देता है। ले नारियल, ए गोवा वाला गाना बोलो क्या? राखे। हाँ चलो बोलो गोवा का गाना बोलो क्या? बोल भाई। चलो गोवा का गाना बोल। यहाँ पे क्या देखेंगे एक बार? हाँ बोलो। ए शुगर केन पीते पहले, मोइन आ जाओ शुगर केन पहले। We'll be right back.
अभी यहाँ पे रुके हैं सीएनजी भरने के लिए। यहाँ पे बहुत सीएनजी मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, तो यहाँ पे हमको मिल गया, ज़्यादा लाइन भी नहीं है। और हाँ बेटा, हाँ डबल डेकर बस, चलो आ जाओ। और यहाँ पे हम पंजिम में हैं अभी, और वो है हमारा फ्लैग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्यान को बोल रही हूँ, क्यान आपको तो सिर्फ ना चॉकलेट ही चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए, आपको मम्मा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चॉकलेट चाहिए। तो क्यान क्या बोल रहा है? दोनों चाहिए। क्यान को दोनों चाहिए, और मायशू को मम्मा चाहिए। ओ मेरा बच्चा, मुझे दोनों चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चॉकलेट मिल रहा है मेरे क्यान और मायशू को। बेटा नीचे उतर जाओ। तो क्यान के फेवरेट गाने पे थोड़ा सा डांस करके हम निकल गए हैं। और यहाँ पे ब्रिज पे आप सबको पता है कि जो लाइटिंग लगती है, और आज तो 26 जनवरी है, तो आज तो तिरंगा बनता है। तो हमारा जो कलर है फ्लैग का, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये हम नीचे से देखते थे ना, और अच्छा लगता था। और ये बंद था, जैसे हम एंटर किया हमने तभी ये स्टार्ट हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के एकदम। और पंजिम रात को तो मतलब इतना खूबसूरत लगता है। तो गाइस अभी हम लोग हमारे रिसोर्ट में पहुंच गए, और हम लोग को कितना तकलीफ हुआ ना मायशू आने को। हम लोग कहाँ नहीं गए, मतलब वो गूगल मैप फॉलो करते करते हम लोग मेन रोड पे, अगर पंजीब में मापसा में वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है, पर ये जो रिसोर्ट है ना बहुत अंदर है। हम लोग कितना कितना घूम रहे, ऐसे ऐसे रोड पे गए जहाँ पे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। और सुना क्या हुआ था पता है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे करते करते हम लोग मतलब इधर तक आते आते हम लोग को 45 मिनट्स 1 आवर लग गया। और आओ चलिए चलते हैं। चलो कितने साफ किया मासी, संभल के बेटा। वाह क्या हवा आ रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा हवा आ रहा है। पानी थोड़ा नीचे चला गया, थोड़ा नीचे है ना अभी। कौन चिल्ला रहा है? पापा बुलाए? चलो। सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं। व्हाट्स दैट्स अ फ्रॉग। रिलैक्स। अरे वो डरती नहीं है, छोटा सा फ्रॉग है, कुछ नहीं करेगा, जस्ट रिलैक्स। अभी गिरते थे वहाँ पे, ये देखो भाग के उधर जा रही है, एक कदम दो तीन कदम छोड़ के ये
चलो आई बड़ी मुझे हेल्प करने वाली। नहीं अच्छा चलो चलो मैं आगे जाता हूँ, चल पकड़ तू ठीक है। आई विल कुछ नहीं आ जाओ इधर से। पैन में अगर सूख गया तो समझ गया ना, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये है मेरा बर्थडे केक, क्योंकि हम लोग गोवा में हैं और हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे क्या नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो इतना मतलब बड़ा आधा किलो का केक लेके हम सब एक साथ तो नहीं खा पाएंगे, तो उसको रख नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पेस्ट्रीज, और पेस्ट्रीज का भी हालत थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ट्रैवलिंग किया है तो गाड़ी में कुछ ऐसा हो गया। सो ये साल ये वाला है पेस्ट्रीज ब्राउनी है, चलिए इसी को ही हम अभी कटिंग करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे। कोई बोलेगा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो पापा, इतना दूर हो मजा आ गया। और ना ये प्लांट मैंने सामने रखा क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रिसोर्ट में ना पहले मुझे लगा था ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये रिसोर्ट में जो भी इनके प्लांट्स है ना उसी को तोड़ तोड़ के ना इन्होंने मुझे मतलब ऐसे सभी गेस्ट को बना के दे दिया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपको मैं ना सुबह बताऊंगी यहाँ के प्लांट्स तो खा। सो गाइस ये था मेरा आज का बर्थडे व्लॉग, मेरा आज का दिन कुछ ऐसे बीता जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो अभी के लिए बाय, केक खाएंगे और थोड़ा टाइम के बाद फिर डिनर के लिए जाएंगे। और हम लोग अभी यहाँ पे रिसोर्ट में बहुत अंदर है तो हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते ना, किधर देखते हैं मुझे नहीं लगता, अभी बोल रहे हो थक गया, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हम लोग और भी दिन है गोवा में यहाँ पे अभी। सो बाय बाय, वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी सरस्वती पूजो, ये बोलते बोलते खत्म कर देंगे। चलो बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। सो फ्रेंड्स, हाँ उधर जा रही पता है। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिनर के लिए निकले हैं और आज है 26 जनवरी थर्सडे का दिन, और थर्सडे का दिन जो होता है वो गोवा में मतलब लोग नॉनवेज और ये सब खाते नहीं है, तो थोड़ा सा होटल होटल जो है उतना एक्टिव नहीं होता है। अभी जो है एक रेस्टोरेंट में गए तो बोला वहाँ पे है, तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं कावा। मिलेगा यहाँ पे कुछ जब आगे जब जब मायशा कितनी क्यूट लग रही है, वाओ। এটা একটু খাওয়া দাওয়া মিলবে না এখানে, চলো আয় বেটা। ক্যান কাম ইধার বেটতে ছে লোক
इससे पैसे बहुत लगे। तो फिर इससे बेटर अपन थोड़ा जाके आते थे बीच बीच में जब। हाँ अभी चलो, हाँ बहुत मजा लेंगे, चलो मजा क्या। अंधेरा है बहुत, कैसे खाएंगे। जा सकते हो क्यान। किधर आ गया बेटा, कोई जंगल में आ गया। मतलब कोई जंगल में आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, एनी प्रॉब्लम? सो गाइज, रेस्टोरेंट के अंदर इतना अंधेरा था कि हम लोग कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। और मैं हूँ अभी आपको सो गाइज, मैं वही बोल रही थी कि हाँ, क्या क्या बोल रहे हो बेटा आप? रेस्टोरेंट के अंदर जंगल था। जंगल था। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो गाइज ये देखिए, मुझे ऐसा घर बहुत पसंद है, ऐसे इंडिविजुअल हाउस होता है ना, जिसका खुद का मतलब गार्डन भी आप कर पाओ, और ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं, मुझे छोटा भी चल जाता है। फिर खुद का गराज, पार्किंग मतलब गाड़ी पार्किंग के लिए, ऐसे बहुत क्यूट लगता है मुझे। तो गाँव में ना ऐसा घर बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या मम्मा को ना ऐसा घर चाहिए बाबू, ये देखो ना, क्या मम्मा को ऐसा घर चाहिए, छोटा सा क्यूट सा। आप दोगे, बड़े हो जाओगे तो दोगे? देखो इधर, हाँ या नहीं? नहीं, ऐसा घर देखो, मम्मा ऐसा घर देखो। हाँ मम्मा ऐसा घर में नहीं रहे। चलिए गाइस चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आपको टाटा बाय बाय करती हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग, कुछ ऐसा बीता मेरा दिन। क्या क्या कैसे बीता आपका दिन, कैसा लगा आपको? मम्मा का हैप्पी बर्थडे, रिपब्लिक डे कैसा गया? वेरी नाइस, हमको भी बहुत मज़ा आया। और चलिए बाय बाय, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।